भी बहुत कम जगहों पे अब मिलती है, और मुझे दिखी तो मैंने बोला कि खा लेते हैं, और मेरा बेटा भी खा रहा है इसको यहाँ पे, देखिए बड़े मज़े से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल आजकल जो आइसक्रीम मिलते हैं मुझे, तो उससे ज़्यादा बेटर ये वाला कुल्फ़ी लगता है, जो अब बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अभी देखिएगा, मेरा बेटा डांस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था और उसने सडनली डांस करना स्टार्ट कर दिया। कितना क्यूट है ना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो चलिए चलते हैं साथ में, बने रहिए। चलिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरों को देख के। तो खैर, चलिए बकवास ना करते हुए चलते हैं। बाद मुझे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ कपड़े भी लेने थे, तो उसके लिए हम लोग मॉल आए। उसके बाद मैंने देखा, मुझे यहाँ का टॉप का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये दो टी शर्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने कुछ टॉप्स लिए यहाँ से जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो आप भी देखिए आगे कि मैंने क्या क्या लिया। और यहाँ पर बच्चों का भी कपड़े कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, तो मैंने वो भी लिए। उसके बाद मैंने कुछ ग्रॉसरी का सामान लिया जो मुझे लेना था। मैं आई थी विशाल मेगा मार्ट। ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो इसलिए मैं शंकरबाग साइड में जो विशाल मेगा मार्ट है वहाँ पर आई हुई थी, तो मैंने वहीं से सारी सब चीज़ें ली। अभी देखिए, मैंने ये टॉप लिया एक, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी लाइट वेट था और बहुत ही अच्छा था। आप इसको समर विंटर कभी भी कैरी कर सकते हैं, तो मैंने उसको लिया था। और भी एक दो चीज़ें थी जो मुझे पसंद आए, जैसे कि ये टॉप था। तो बस आप देखिए आगे, बने रहिए कि मैंने क्या कर लिया इसमें। क्या इससे तो मेले से खाना बनता है? ओ, तुम खाना बनाते हो क्या? हाँ जी। तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ और हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आधा तो कुछ टायर्ड डे था इसकी वजह से, और आधा इस गर्मी ने खराब कर दिया है। जैसा कि मेरे फेस को देख के आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। आज मैं गई थी शाम के टाइम गांधी घाट, क्योंकि मुझे मतलब गंगा किनारे बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मतलब तब एकदम कनेक्शन जैसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गंगा किनारे बैठना, बहुत सुकून और शांति मिलती है। बट मैं एकदम भूल गई कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकती थी वहाँ पर, बट मैंने नहीं किया। बट होपफुली अगर कभी फिर दोबारा गई वहाँ पे, तो वहाँ का गंगा आरती भी बहुत ज़्यादा फेमस है गांधी घाट का, तो अगर मैं उस टाइम पे जा पाई कभी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी बारिश का मौसम है तो पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो रात को अगर आप लोग भी गंगा घाट जाना पसंद करते हैं तो रात को जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है वहाँ पर। और बेशक है कि हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी ही चाहिए, पानी से अभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो इसलिए खैर
ये तो आज का पूरा दिन ऐसे बीता। ये रही थोड़ी सी मेरी कुछ बातें जो आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सावधानी से गंगा किनारे जाइए। ये तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना बैठना, बहुत अच्छी लगती है बातें वहाँ की। खैर तो मैं आ गई हूँ वापस घर और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाऊँगी क्योंकि नहाने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है इस गर्मी की वजह से। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे होता है, और मैं आपको मिलती हूँ कल मॉर्निंग। चलते हैं बाहर, नेक्स्ट डे हो गया, आपको पता चली गया होगा आउटफिट मैंने चेंज कर लिया है उस हिसाब से, तो चलिए चलते हैं। जैसे ही मैं बाहर आई मुझे छोटे छोटे ईयरिंग्स का एक थैला दिखा। मुझे इस टाइप के छोटे छोटे ईयरिंग्स पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वहाँ से 3-4 ईयरिंग्स लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बाल गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी ये बेच रहे थे, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाला भी है तो इसलिए आप अगर चाहें तो आप ले भी सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल अभी मूर्ति की शॉपिंग नहीं करनी थी, बट मुझे ईयरिंग्स चाहिए थे तो मैंने। और ये क्लिप एक दिन पहले का है जो मैंने बोला था कि गंगा घाट गई थी, तो मैंने बस थोड़ा सा ये शूट किया था और शाम का टाइम था तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने वो क्लिप भी डाल दी आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और पानी तो भाई साहब गजब ही लोड़े मार रही थी, जैसा कि आप देखेंगे आगे वीडियो में। तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं पटना में पिछले 8 सालों से इस घाट पे आ रही हूँ, बट ये पुल उस वक्त नहीं बना था, बट अभी ये पुल भी रेडी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुझे कुछ किराना सामान लेना था तो मैंने वो लिया, देन मैंने फ्रूट्स भी लिया क्योंकि फ्रूट्स घर पे ख़त्म हो चुके थे, और उसके बाद हम लोग निकल गया यहाँ से। फिर मुझे याद आया मैंने शॉप पे तिरंगा देखा, तो मैंने देखा कि यार हम लोगों को भी तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनना है, तो हम लोगों को भी तो तिरंगा लेना ही है। तो हम लोग शॉप पे गए, मैंने वहाँ से तिरंगा लिया, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप भी लीजिए। और इसे आज़ादी अमृत क्या बोलते हैं जो भी मतलब चल रहा है, अमृत महोत्सव का हिस्सा बनी है। देन हम लोगों ने डिनर किया, हम लोगों का डिनर भी हो गया है, और मैं इतना लेट आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मुहर्रम है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, जुलूस निकल रहा था, तो और फिर उसके बाद छोटा छोटा जो काम था वो मैंने किया जैसा कि आपने देखा। तो बस अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, और अभी लोगों का डिनर हो चुका है, और अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। हम लोग थोड़ा उल्टा आ गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डोसा जो है वो यहाँ मिलता है, तो इसलिए वो खाने के लिए यहाँ आ गए थे। घर से काफ़ी उल्टा हो चुका है, बट कोई नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी आई थिंक 9:30 ही हो रहे हैं, तो अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और बाकी मैं मिलती हूँ आपसे कल, क्योंकि ट्रैफिक में ऐसे ही बैठे बैठे आदमी टायर्ड हो जाता है, तो मैं आपसे कल मुलाकात करती हूँ सुबह में। तो चलिए गुड नाइट और यू मॉर्निंग। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा आधा काम निपट चुका है, मैंने सोचा आप लोगों से एक बार मिल लेते हैं। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और आज के नाश्ते में बनने वाली है ये वाली सब्जी। इसको हम लोग सतपुतिया बोलते हैं, या फिर पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो मुझे ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो आज नाश्ते में इसकी सब्जी बनाने जाने वाली हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि उसके पहले मैं ब्लॉग का एंडिंग दे दूं, क्योंकि आजकल जो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ वो काफ़ी बड़ा नहीं बना रही हूँ मैं, छोटे छोटे ही ब्लॉग्स बना रही हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो इसलिए ये ब्लॉग भी मैं आज यहीं पे एंड करूँगी। अभी नाश्ता वास्ता बनाना है, बाकी दिन का जो काम है उसको करूँगी, उसके बाद फिर ऑफिस। तो बस यही था
जो छोटा मोटा ब्लॉग जैसा कि चल रहा है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जैसे कि मैंने कल राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है अभी, तो हम लोगों को भी उसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो जाइए और जाके लीजिए, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, तो सरकार अगर बोल रहे हैं कि ये चीज़ करना चाहिए तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ करने से आपको कोई परेशानी है, या फिर ऐसा कुछ करने से आपको कोई लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि इंडिपेंडेंस डे हो या फिर रिपब्लिक डे हो, तो राष्ट्रीय ध्वज किसी, जैसे स्कूल हो गया या फिर कोई ऑफिस हो गया या फिर मतलब कोई एक जगह, तो राष्ट्रीय ध्वज लहराता ही है। बट अगर पर्सनली आप खुद अपने घर पे ऐसे लेके लगाएंगे तो वो मोमेंट कुछ अलग ही होता है। मुझे लेते हुए जब इतनी खुशी हो रही थी, तो आप सोचिए आपको भी लेते हुए कितनी ज़्यादा खुशी होगी। तो आप भी जाइए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, और इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बनिए, जैसे कि मैं भी बन रही हूँ। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, होपफुली जल्दी दूसरा ब्लॉग भी मैं डालूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।